Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसको हम शॉर्ट में PMJDY से भी के नाम से भी जानते हैं, उस पर हम ऐसे राइटिंग देखेंगे, वो भी हम देखेंगे इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम के डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी अगर करते हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए PMJDY पे ऐसे राइटिंग आपको प्रॉपरली आना चाहिए। तो ये इंग्लिश में ऐसे है, हिंदी में भी हमारे पास वीडियो है, तो आप चाहे तो हिंदी में अगर देखना चाहे तो वहाँ पे हिंदी वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो SSC CGL डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए तो बहुत उपयोगी है ही, साथ ही साथ और भी जितने भी एग्ज़ाम जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम लिया जाता है, ऐसे राइटिंग करवाई जाती है जिस भी एग्ज़ाम में, उन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, साथ ही साथ एक चीज़, ऐसे शुरू करने से पहले अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, डिस्क्रिप्टिव पेपर से रिलेटेड, या किसी भी मैथ्स के पोर्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर मैसेज करके आप वो क्वेरी बता सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने की एज सून एज पॉसिबल हम कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है ऐसे का। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY इज नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, नेमली बैंकिंग, सेविंग्स एंड डिपॉजिट अकाउंट्स, रेमिटेंस, क्रेडिट इंश्योरेंस, पेंशन इन एन अफोर्डेबल मैनर। ठीक है, अब देखिए क्या था, इससे पहले ये जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज थी अफोर्डेबल नहीं थी, मतलब जो गरीब व्यक्ति था वो इन सारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा था। और साथ ही साथ अब इसमें रेमिटेंस का आप अर्थ समझ लें, रेमिटेंस मतलब अगर किसी दूसरी कंट्री में कोई व्यक्ति काम करता है, अगर वो वहाँ से अपनी कंट्री में पैसा भेजता है, जैसे हम अगर इंडिया में रहते हैं और इंडिया में अगर कोई व्यक्ति किसी फॉरेन कंट्री से पैसे भेज रहा है अर्न करके, तो वो रेमिटेंस कहलाएगा हमारी कंट्री के लिए। ठीक है ना, तो ये रेमिटेंसेस कहलाता है। तो अब ये पुअर पीपल इस चीज़ का यूज़ ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि दुबई में जो लेबर्स जाते हैं इंडिया से, वो लेबर्स रेमिटेंस की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे देखिए, लोग क्या था कि जब तक फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ था, तब तक लोग क्या थे, जो पुअर पीपल थे, वो बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस है, पेंशन प्लान्स हैं, इन सब चीज़ों से दूर थे। ठीक है ना, अब जैसे जनधन अकाउंट्स खुलते जा रहे हैं, तो लोग क्या है कि बैंकिंग सर्विसेज जैसे इंश्योरेंस है और पेंशन प्लान से जुड़ रहे हैं, जिससे सिक्योरिटी बढ़ रही है। सिक्योरिटी कैसे बढ़ रही है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति अगर इंश्योरेंस की सुविधा का लाभ उठाता है, तो वो अपने आप को इंश्योर कर रहा है। ठीक है कि नहीं, सेफ कर रहा है वो अपने को, अपने आप को। पेंशन प्लान अगर वो ले रहा है, तो इससे भी वो अपनी फ्यूचर की सेफ्टी सिक्योर, मतलब अपने आप को फ्यूचर में सिक्योर वो करना चाह रहा है। चलिए अब देखिए आगे, दूसरा जो पार्ट है इंट्रोडक्शन का, दूसरा हिस्सा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हमने बता दिया प्रधानमंत्री जनधन योजना है क्या। ठीक है, अब आगे की हम जानकारी इससे रिलेटेड देते हैं। दिस एम्बिशियस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर ईजी एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, वित्तीय समावेश बोलते हैं जिसको। ठीक है, जिसमें हम लोगों को फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं, वित्तीय जो सर्विसेज हैं, उनसे हम कनेक्ट करें। ठीक है, इसके बारे में हम अलग से कभी डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है ना, दिस स्कीम वॉज अनाउंस्ड बाय मिस्टर मोदी इन हिज मेडन इंडिपेंडेंस स्पीच फ्रॉम रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त। ठीक है ना, अब ये बाकी की हमने जानकारी दे दी, स्टैटिक जो डेटा था इस स्कीम से रिलेटेड, वो डेटा हमने यहाँ पे बता दिया है। हमने स्कीम का इंट्रोडक्शन दे दिया कि स्कीम है क्या, और उसका स्टैटिक डेटा जो था वो भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। बॉडी पार्ट जो रहेगा, बॉडी पार्ट में हम और अधिक जानकारी देंगे इस स्कीम के बारे में, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे हम इस स्कीम से रिलेटेड। दिस स्कीम प्रोवाइड्स एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ ₹5,000 आफ्टर 6 मंथ्स एंड अ रुपे डेबिट कार्ड विथ एन इनबिल्ट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹1,00,000 एंड रुपे किसान कार्ड टू द अकाउंट होल्डर। ठीक है, अब रुपे एक सुविधा है जो हमारे डेबिट कार्ड होते हैं, जैसे वीज़ा डेबिट कार्ड होता है, मास्टर डेबिट कार्ड होता है, वैसे इंडिया का हमारा है रुपे। ठीक है ना, तो रुपे कार्ड मिलेगा, तो रुपे एक कार्ड का नाम है, हमारे डेबिट कार्ड का नाम है रुपे। ठीक है ना, ये सुविधा शुरू करी गई हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे इंडिया मतलब इंडियन है ये डेबिट कार्ड की फैसिलिटी। ठीक है, तो रुपे डेबिट कार्ड, रुपे किसान कार्ड दिया जाएगा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन मिस्टर मोदी सेड दैट टुडे इज़ द डे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इन इंडिया। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ दिस स्कीम मेरा खाता भाग्य विधाता। अब जैसे इस तरीके की जो आप चीज़ें अगर आप इंक्लूड करते हैं अपने ऐसे में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव बनाती हैं आपके ऐसे को, विच मीन्स माई अकाउंट इज़ डिवाइन। तो जैसे इस तरीके का अगर आप कोई हिंदी जो किसी भी लाइन को अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं इंग्लिश में लिख के, ठीक है कि नहीं, तो उसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे बाद में, तो आपकी जो आपने कोट करी है जो भी लाइन उसकी वैल्यू वहाँ पर बढ़ जाती है, ठीक है कि नहीं। तो हम मतलब एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि वो एग्जैक्ट वर्ड्स हम बताना चाह रहे थे हिंदी में कि जो प्रधानमंत्री ने बोले हैं और उसको हमने इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि हमारा इंग्लिश ऐसे है। पीपल टर्नड आउट इन लार्ज नंबर टुवर्ड्स द स्टेप ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम एंड देयर वाज एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स बाय द इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, दिस स्कीम हैज़ क्रिएटेड एन अननेसेसरी वर्क प्रेशर ऑन द बैंकिंग स्टाफ। तो इसमें हमने बाकी सारी जो इस स्कीम से रिलेटेड चीज़ें थी या जो भी घटनाक्रम था या जो भी इसके बेनिफिट्स थे जो मिलने वाले थे उस स्कीम से लोगों को, वो हमने सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा फाइनली कंक्लूजन जो पार्ट है हमारा, तो कंक्लूजन पार्ट में हम वो चीज़ें इंक्लूड करने वाले हैं फाइनली कि इस स्कीम से क्या इम्पैक्ट पड़ा या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता था, और फाइनली हम कंक्लूड कर रहे हैं हमारे ऐसे को। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझें और देखें इसके जो हमने पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करे हैं। दिस इज़ अ मेजर स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द एसेंशियल फाइनेंशियल सर्विसेज टू द पुअर सिटीजन एंड अटैच देम टू द मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है ना, मतलब जो गरीब लोग हैं हमारे, गरीब तबके के लोग हैं हमारे देश के, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए ये काफ़ी उपयोगी होगी। ठीक है ना, दिस स्कीम प्रूव्स टू बी एन आयरन हैंड इन डीलिंग विद करप्शन। ठीक है, करप्शन को अच्छे से इससे मतलब करप्शन पे इस स्कीम के जरिए मार पड़ेगी। आफ्टर दिस स्कीम सिटीजन्स आर गेटिंग देयर सब्सिडी एंड अदर बेनिफिट इनटू देयर अकाउंट डायरेक्टली विदाउट एनी मीडिएटर और करप्ट पर्सन इन बिटवीन। ठीक है ना, अब किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है, सीधे ही लोगों के अकाउंट में उनके पैसे जा रहे हैं, तो ये एक बेनिफिट आ गया। गवर्नमेंट का जो फंड था यहाँ से सीधे यहाँ पे कोई भी बीच में मीडिएटर नहीं आएगा और सीधे गवर्नमेंट के जो पैसे हैं आपके अकाउंट में आने वाले हैं। ठीक है ना, तो इससे जो पैसा जो चोरी होता था बीच में मीडिएटर से के जरिए, तो वो पैसे की जो चोरी थी या रिश्वत के तौर पर किसी भी तरीके से जो पैसा लिया जाता था वो अब नहीं लिया जाएगा और सीधे जो जिसको लाभ मिलना चाहिए उसी के पास पैसा पहुंचेगा। ठीक है ना, दिस हैज़ प्रूव्ड एज अ बून फॉर पीपल एंड इंडियन इकोनॉमी एज एवरी सिटीजन स्टार्टेड सेविंग एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या हुआ कि लोगों ने सेविंग्स शुरू करी और सेविंग्स करने से हमारी इकोनॉमी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है क्योंकि जो पैसा हमारे घरों पर पड़ा था, अगर हमारे कंट्री में जो गरीब लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अगर वो थोड़ा थोड़ा पैसा भी इकट्ठा करते हैं तो ये काफ़ी सारा पैसा हो जाता है। अब ये काफ़ी सारा पैसा अगर मार्केट में फ़्लो होगा तो हमारी इकोनॉमी को काफ़ी बेनिफिट होगा इस पैसे से। ठीक है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें हमने इंक्लूड करी हैं कि हमारा अगर जनधन अकाउंट हम अगर खोलते हैं तो इससे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हमको क्या बेनिफिट होने वाले हैं, उस जनधन अकाउंट के बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया। तो ये सारी बातें इंक्लूड करके कंप्लीट ऐसे है, ये एज इट इज़ ऐसे आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, अगर चाहें तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगली स्लाइड में कुछ हम इम्पॉर्टेंट जो हमारी बातें हैं वो बताने वाले हैं, उनको ध्यान से देखें, नोट डाउन करें उन सारी चीज़ों को। देखिए, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं या जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उनको याद रखें आप। देखिए, क्या इम्पैक्ट रहा अभी तक का जनधन योजना का, तो ये सारे जो डेटा है इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं आपके ऐसे में कहीं भी। तो हम देखेंगे बैंक नेम, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है हमारे, नंबर ऑफ बेनिफिशरीज एट रूरल सेमी अर्बन सेंटर बैंक ब्रांचेस। ठीक है ना, तो ये सब करोड़ में है, 13.41 करोड़, 4.12 करोड़, और इस तरीके से ये सारा डेटा है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इस डेटा को यूज़ करके अपने ऐसे में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट ही हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो साइट है वहाँ से हमने इस स्क्रीनशॉट को लिया है, तो आप इस डेटा का यूज़ करके अपने ऐसे को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है कि नहीं, तो इस डेटा को यूज़ करने के आपके अपने पास फ्रीडम है, आप उस ऐसे को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं,
तो इन सारे पॉइंट्स को एज इट इज जैसे हमने बताया उनको वैसे लिखें, ऐसे को प्रॉपर तरीके में, एक प्रॉपर आपको गाइडेंस मिल गया होगी किस तरीके से आपको ऐसे अरेंज करना है, ठीक है कि नहीं, किस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखना है, फिर बॉडी वाला पार्ट लिखना है और लास्ट में हमारा कंक्लूजन किस तरीके से हमें फ्रेम करना है वो आपको आ गया है। अब ये जो डेटा है ये आप हमारा बॉडी पार्ट में आप डाल सकते हैं, अगर आपको जो पॉइंट्स लग रहे हैं कि ये आप हटा सकते हैं, हटा के इनमें से कोई भी इस टेबल में से डेटा आप इंक्लूड कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि जिससे ये नॉलेज और लोगों तक ईजिली पहुँच पाए। दोस्तों और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बाजू में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।